दुई मिलेसियाको गिरफको नै छत्तीसगढ़ आसिले शताधिक ग्रामवासी माओवादी समर्थक दुई जनको पुलिस आजि कोर्ट चालन परे छत्तीसगढ़ शोभा थाना अधीनरे थिबा भूतबेडा कोसेंगा गोना कोकड़ी गोरदा दराहडीही शोभा अड़गड़ी कोइबा साइबिनका सार ग्रामर शताधिक लोके रायघर थाना को आसिबा खबर पाई रायघर पुलिस कुरापेडा छकठारे सेमानंकु अटकाइथिला। सेमाने आसिबा कारण पचारिबा परे आसिथिबा लोके पुलिस आनिथिबा दुई जन ग्रामवासीको खबर थाना अधिकारीको पचारिबा कथा कहिथिले। एहापरि पुलिस एते संख्यारे लोक थाना को जाई परिबेनि कहि सेमानंक मध्यरु पांच जनको अनुमति देइथिला। थाना अधिकारी छुट्टी रे थिबारु एसडीपीओ शुभेंदु कुमार सबरंक सह मिसि आलोचना करथिले। गिरफ होइथिबा दुई जन वर्तमान केउठारे ताहा जानिबा परे सेमाने चली जाइथिले। प्रकाश थाउ कि दुई माओवादी समर्थकंकु गिरफ करी कोर्ट चालान कला परे नवरंगपुर पुलिस गत अप्रैल 30 तारीख दिन ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत हाथीगा रिजर्व जंगल ले नवरंगपुर पुलिस डीवीएफ जवान को द्वारा स्वतंत्र नक्सल विरोधी ऑपरेशन समय रे डीवीएफ जवान फेरतुबा समय रे द्वि संदिग्ध हेमलाल नागेश ओ प्रकाश मार्कोम को जंगल मध्यरे संदिग्ध अवस्था रे थैथिले। एमाने दुई नक्सल मलेशिया होइथिबा बेले एमाने नुआपडा मेनपुर डिविजन निमन्ते काम करबा सहित माओवादी मानंकु विभिन्न सहाय्य करतुबा सह पोस्टर ओ बैनर लगेबारे सहाय्य करथिले बोली पुलिस प्रेस नोट रे सूचना दिछंती। हेमलाल नागेश को घर मोतीपाणी ओ प्रकाश मार्कोम को घर भूतबेढ़ा बोली सूचना मिलिछि। ए खबर को ने नवरंगपुर एसपी एस सुश्री प्रेस मीट करी अटक रखितिबा कथा कहिथिले। आपको पंचायत और मेरा पंचायत ग्राम पंचायत साइबिन कछार है और जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। मैं किसान मजदूर संघर्ष समिति उदंती सीता नदी राजापड़ा क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। आज इतने जो आए हैं यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली घटना क्या है? एक्चुअली घटना ये हुआ कि हम हमेशा जंगल से आश्रित रहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो जंगल का है उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर नक्सल मूवमेंट का भी खतरा बना रहता है और साथ में फोर्स का भी आना जाने का रास्ता बना हुआ है। हम तो दोनों से ही भयभीत रहते हैं, नक्सली से भी भयभीत रहते हैं, फोर्स से भी भयभीत रहते हैं, ताकि दोनों के पास हथियार है। अगर हम जो जंगल के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी सब जंगल में है, हम तेंदू के लिए चार के लिए महुआ जो भी इत्यादि के लिए जाते हैं, तो हमको एक भय बना रहता है, न जाने नक्सली भी ले जाएगा या फिर फोर्स भी ले जाएगा। लेकिन बुधवार 26 तारीख को जो घटना हुआ है अपने ग्राम साहिबिन कछार में, ताकि ये मोतीपानी का नंदलाल नागेश हेमलाल नागेश एवं बुधबेड़ा का प्रकाश मरकाम जो है ना, अपने तेंदुपत्ता का सीजन है तो रस्सी काटने के लिए जंगल गया हुआ था। उसी समय कुछ दूरी पर जो है ना अपना जो स्पेशल फोर्स अपन नवरंगपुर वाले के साथ में माओवादी का शायद मुठभेड़ हुआ या फायरिंग जो भी हुआ होगा, लेकिन उसी के बाद दो तीन घंटे के बाद में दोनों लोगों को जंगल से अपने जो फोर्स उठा के लिए आए थे, इसमें हमारे ग्राम साहिबिन कछार के 12 लोग भी देखा गया था। उसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट भी किया गया था, कपड़े उतार के भी मारपीट की। उसके बावजूद भी हम आए और दूसरे दिन फूटानाड़ा का कैंप का घेराव किया और रायगढ़ थाना का भी घेराव की। सर मेरा नाम दीनाचंद मरकाम है। कहाँ से? हम लोग छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर मैनपुर ब्लॉक गरियाबंद जिला से आए हैं, जो कि हमारे 26 तारीख को कुछ फायरिंग हुआ। उस दौरान इधर बीएसपी सीआरपी के जवान हमारे दो बच्चों को इधर लाए हैं। अब आपका क्या विचार है, अब क्या करना चाहते हैं? अब हमारा विचार यह है सर कि हम तो उनको लेके जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे या ऑफिस के पास बैठ करके, क्योंकि इनको गलत झूठे मुकदमा से इसको फंसाया गया है। नवरंगपुर गगन गंता रिपोर्ट, विश्व विजय न्यूज ओडिशा।